मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मतदान बढ़ाने को निर्वाचन आयोग ने चुनौती की तरह लिया है। इसके लिए विशेष श्रेणी के मतदाताओं के लिए अलग से व्यवस्थाएं की जा रही है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार फॉर्म 12D में सहमति देने वाले दिव्यांग मतदाता घर से डाक मत पत्र से मतदान कर सकेंगे। इसी तरह बुजुर्ग और गर्भवती महिला मतदाताओं के लिए भी विशेष व्यवस्थाएं की गई। ऐसे मतदाता बिना लाइन में लगे सीधे मतदान कर सकेंगे। दिव्यांग मतदाताओं के लिए अधिक से अधिक प्रत्येक मतदान केंद्र में जहां रैंप बनाए गए हैं, वही चिन्हित मतदान केंद्रों पर व्हीलचेयर या ट्राईसाइकिल की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। इसके साथ ही प्रत्येक मतदान केंद्र पर दिव्यांग मतदाताओं की सहायता के लिए स्थानीय स्वयंसेवी युवाओं को दिव्यांग मित्र नियुक्त किया गया है। दिव्यांग मतदाताओं को मतदान में किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए उन्हें विशेष छूट देते हुए 3-पहिया वाहन सीधे मतदान कक्ष तक ले जाने की अनुमति दी जाएगी। दिव्यांग मतदाताओं को बिना कतार में लगे सीधे मतदान करने की अनुमति भी होगी। मतदान केंद्रों पर तैनात किए जा रहे मतदान कर्मियों को भी मतदान में दिव्यांगों की सहायता के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे मतदान केंद्र जहां मूक बधिर मतदाताओं की संख्या अधिक है, वहां सांकेतिक भाषा के विशेषज्ञों को नियुक्त किया गया, जबकि ऐसे मतदान केंद्र जहां नेत्रहीन मतदाताओं की संख्या अधिक है, वहां ईवीएम और वीवीपैट मशीनों के बारे में मार्गदर्शिका उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसे मतदान केंद्रों पर दिव्यांग मतदाताओं की सहायता के लिए ब्रेल लिपि में डमी बैलेट पेपर भी रखे जाएंगे। नेत्रहीन मतदाताओं को मतदान में सहायता के लिए सहायक रखने की अनुमति भी होगी। इसके साथ ही ईवीएम मशीनों की बैलेट यूनिट में ब्रेल लिपि में दर्ज उम्मीदवार के क्रमांक की सहायता से भी नेत्रहीन मतदाता वोट डाल सकेंगे।